हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल रॉयल इनफील्ड एक्सपर्ट टीचर में। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बन ब्रश कैसे डालना है, यानी कि सेल्फ स्टार्ट में जब कार्बन ब्रश चला जाता है तो कार्बन ब्रश के किट को कैसे डालना है। तो इसमें बहुत आसानी के साथ आप देखोगे कि कार्बन ब्रश के किट को कैसे डालना है। तो अगर आप इस चीज़ को जानना चाहते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए हमारी वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखते टाइम भी आप लाइक कर सकते हो और इसमें आपके कुछ पैसे नहीं लगेंगे। और फ्रेंड्स, रहा सवाल हमारा, तो हमारे चैनल पर बाइक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन 100% परफेक्ट दी जाती है। हमारी वीडियो देखने के बाद में आपको गाड़ी में अगर आप काम करना चाहोगे तो कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। जैसा हम करते हैं वैसा ही वीडियो बना के आप तक भेज देते हैं, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स, और देखते हैं कि किस तरीके से हमको कार्बन ब्रश किट को डालना है इसके अंदर। और ये ज़रूरी काम है क्योंकि बहुत से लोग इसको नहीं जानते हैं तो वो दूसरों का सहारा लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमें एक बार यहाँ पर देख लीजिए कैसे सिस्टम करना है, और उसके बाद हमें ये वाला जो ब्रश पहले से लगा हुआ है इसको यहाँ से ऐसे कट कर देना है। कट करने के बाद में हमें ये वाली प्लेट जो लगानी है, तो ये देखिए ये वाला जो गैप यहाँ पे दिख रहा है, ये गैप इस पर ऐसे बैठा देना है यहाँ पर, ठीक है। और ये बैठ गया। बैठने के बाद में हमें क्या करना है, ये जो स्क्रू हैं छोटे वाले दो स्क्रू हैं तो इनको यहाँ पे लगा के टाइट कर देना है। ये यहाँ पे टाइट हो गया, और ये वाले स्क्रू में हमें लगाना है क्या, दूसरा वाला कार्बन। और ये अब यहाँ पे लग गया, ये देखिए कार्बन, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, ये जो नया वाला दूसरा कार्बन है, ये वाला जिसमें पिन लगी हुई है, उसको यहाँ से इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद में यहाँ पर अच्छी तरीके से जोड़ देना है ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर अंदर बाहर जा रहा है, ठीक है, मैं तो इसको बाहर कर लेता हूँ दोनों को। बाहर करने के बाद में हमें थोड़ी सी ग्रीस चाहिए होती है, ये देखिए ऐसी थोड़ी सी ग्रीस, इसके ऊपर हमको हल्का सा लगा देना है, ठीक है, ताकि ये इसके बीच में रुके नहीं कुछ भी, ये जो कॉपर का होता है ये घिस जाने के बाद में तो ये रुके नहीं इसमें। उसके बाद हमें जो काम करना होता है, तो इसको यहाँ पे देखिए ब्लेड डाल के जो है शेविंग ब्लेड से ये खांचे को ना क्लीन कर लीजिए, ताकि इसका घिसा हुआ जो पाउडर होता है वो इसके अंदर ना रह जाए, नहीं तो दिक्कत आने लगेगी, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पर हमारा फाइनल हो चुका है, अब हम इसको लगा देते हैं। तो हमें सबसे पहले जो काम करना है, तो ये देखिए
ये वाली स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग को सबसे पहले यहाँ पे डाल देना है ये वाले गैप में, ये वाले गैप में डालने के बाद में ये ब्रश को उसके स्प्रिंग के पीछे से डाल देना है, ठीक है। ये देखिए अंदर चला गया, ये बाहर भी आ रहा है। उसके बाद में इसको यहाँ पे रोक दीजिए। अब दूसरा वाला इधर डालना है, तो इसको इधर रोक के और दूसरा वाला हमको अब इधर ये साइड में डाल देना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर स्प्रिंग डाल दीजिए, ये जो बचा हुआ गैप है ऐसे। अब स्प्रिंग के डालने के बाद में ये वाले कार्बन ब्रश को अंदर की साइड स्प्रिंग के साथ में प्रेस कर दीजिए ऐसे, ठीक है। महादेव एक सेकंड आ जा, महादेव ये देखिए यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको, मैं एक आदमी को बुला रहा था हेल्प के लिए, आया नहीं, ठीक है। उसके बाद में हमको क्या करना है, ये वाला इसके अंदर डाल देना है, तो ये अकेले करना पड़ेगा अब हमको। देखता हूँ कितना सक्सेस होता हूँ मैं। ये देखिए अंदर चला गया। अब इसको देखिए यहाँ पर कहीं पे टच नहीं करना है हमें, तो इसको यहाँ पे ऐसे रख दीजिए ताकि किधर भी टच ना होए। टच होएगा तो ये लफड़ा हो जाएगा, थोड़ा बराबर चलेगा नहीं। इसको ऐसे सीधा कर लीजिए। अब ये सीधा करने के बाद में उसके बाद हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर साइड में रख देता हूँ और अंदर दिखा देता हूँ आपको। ये अंदर जो भूस दिख रही है ये वाली यहाँ पर, तो ये भूस में हमको थोड़ी सी ग्रीस डालनी होती है, तो हम यहाँ पे भी डाल देंगे ये साइड में, तो भी चलेगा। यहाँ पर देखिए ऐसे ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी डालनी होती है, इतनी सी। उसके बाद हमें क्या करना है, ये पकड़ से ये साइड में अच्छी तरीके से पकड़ लेना है, यहाँ पर ऐसे पकड़ से पकड़ लेना है देखिए ऐसे। और उसके बाद में आराम से इसको डाल देना है सेटिंग करके, जहाँ पे जा सेटिंग हो पाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाएगा। ये देखिए बैठ गया। अब इसको घुमा के यहाँ पे सेटिंग कर लीजिए, जो खांचा मैच हो। आप देखिए तीनों खांचे मैच हो गए यहाँ पर, ये देखिए एक ये और एक ये और एक ये। अब ये वाले नट हमको ये खांचे में टाइट कर देना है, ठीक है। तो इसको मैं टाइट करके दिखाता हूँ आपको, और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर अब फिटिंग हो चुका है। देखिए तीनों नट लग गए हैं। अब इसमें वाले में अर्थिंग जाएगा, वो मैं गाड़ी के पास दिखा दूँगा। और ये वायर को हमने कट किया है, मेन वायर को, वो किस लिए कट किया है, क्योंकि ये नट की आप कंडीशन देखिए बहुत ख़राब हो गई है, तो ये यहाँ से खुलता नहीं, ठीक है। तो अब चलिए गाड़ी के पास से फिटिंग कैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमको जहाँ पे सेल्फ डालना है तो ये वाली जगह है, देख लीजिए। और ये वाला जो इसका मतलब जो ये गरारी है ये इसमें फंसेगी, ठीक है, वहाँ वो गरारी दिख रही है उनमें ये फंस जाएगी। तो मैं अब इसको डाल के दिखाता हूँ। और उससे पहले जो वायर हमने वहाँ पे कट करके रखा है, तो वो ये मैन वायर है, तो ये दोनों मैन वायर जोड़ लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको डाल के दिखाऊँगा कि कैसे डालना है, ठीक है। तो ये वायर को मैं पहले जोड़ लेता हूँ। तो अभी हमने ये वायर यहाँ पर जोड़ लिया और टेपिंग भी कर लिया अच्छी तरीके से, और ये वाली अर्थिंग भी यहाँ पे लगा दी है ना, और एक अर्थिंग बाकी है। ये अर्थिंग भी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लगाना है। तो सबसे पहले वहाँ पर हम जो है अपना स्टार्टर सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे यहाँ से डाल देना है, देख लीजिए ऐसे पकड़ के, और ऐसे इसको अंदर डाल देना है, अंदर की तरफ प्रेस करेंगे और ये चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दो निशान जो दिख रहे हैं, ये वाला निशान दिख रहा है ना यहाँ पर, और ये पीछे स्टार्टर का, तो इसको सेटिंग कर लेना है हमें, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए ये सेटिंग में आ गया है, ठीक है। अब ये दो नट जो यहाँ पे बचे हुए हैं, ये देखिए 8 नंबर के हैं, तो इनको अंदर डाल देना है यहाँ पर, देखिए
ये देखें पड़ गया। अब इसको थोड़ा सा सेटिंग करके नीचे ऊपर करके और इसको टाइट कर देना है, तो मैं इसको फंसा देता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए ठीक है। यहाँ पर अभी टाइट हो गया ठीक है, हल्का सा टाइट करना है, ज़्यादा नहीं है, मतलब दो तीन थ्रेड फंस जाए ताकि दूसरा वाला भी हमें लगाना है, तो दूसरा वाला लगा के, अब दूसरा वाला कैसे लगाना है यहाँ पर देख लीजिए, ये जो हमारा अर्थिंग का वायर बचा हुआ है इसको यहाँ पे ऐसे डाल देना है ठीक है इसमें, और यहाँ से निकाल के इसको ठीक है, और यहाँ पे टाइट कर देना है हमें वो जो बचा हुआ एक और ये साइड का है ना जिसमें ये नट लगता है, ये देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर लगा देना है इसको अंदर की तरफ, तो मैं लगा के दिखाता हूँ आपको ठीक है, ये लगा लेता हूँ टाइट कर लेता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए दोनों हमारे नट टाइट हो चुके हैं, कौन कौन से दिखाता हूँ, एक तो ये वाला नट और दूसरा ये वाला नट ठीक है, तो जिसमें हमने अर्थिंग की पट्टी डाली हुई है, ये वाला मैं उधर से दिखाने की कोशिश करता हूँ, दिखता नहीं है बराबर, यहाँ से शायद दिखेगा, अभी देखना ध्यान से ये वाला मैं जहाँ पे हमारा पाना लगा है, तो और इसके पीछे ये देखिए वो अर्थिंग का वायर भी डाला है हमने ठीक है, तो अब इसको टाइट कर लेते हैं उसके बाद सीधा गाड़ी को स्टार्ट कर देंगे। तो अभी हमने फाइनल से हर चीज़ लगा लिया है, अब गाड़ी को स्टार्ट करते हो सबसे पहले यहाँ से चाबी ऑन कर देते हैं ठीक है, और सेल्फ मार देते हैं ये बटन से, देखिए ठीक है अभी बंद किया, वापस चाबी को ऑन करते हैं और यहाँ से सेल्फ मार देते हैं ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा बराबर काम कर रहा है, और आपने देखा कि इस कार्बन किट को कैसे डाला जाए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारे चैनल पे हमेशा अच्छी अच्छी टॉपिक पे वीडियो बनाई जाती है, और जो है बहुत बाइक का जो इन्फॉर्मेशन है एकदम 100% परफेक्ट दिया जाता है फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं वहीं से हमें टॉपिक भी मिलती है। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना यार। तो फ्रेंड वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक बहुत आसानी से पहुंचती रहें, और हाँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी थी, या अगर कुछ डिफरेंट है या ऐसा कोई फॉल्ट है जो आप मुझसे जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी वहीं पे आपको मिल जाएगा ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए देखिए हमारा ये चैनल और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।